हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज नए ब्लॉग की शुरुआत मैं और वीर हम दोनों कर रहे हैं। तो वीर को यहाँ पे मैं गर्मा गर्म मैगी बना के दी हूँ, तो वीर इसे खा के एंजॉय कर रहा है। वीर, कैसा बना है मैगी? तो इन लोग को जो मैगी आता है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें इन लोग चिल्ली भी डलवाते हैं। बोलते मम्मी चिल्ली ऊपर से काट कर, और शिमला मिर्च, गाजर, वो सब नहीं, प्लेन ही मैगी रहता है, केवल चिल्ली स्पाइसी बनाने के लिए लोग करते हैं। तो इन लोग के लिए अभी मैगी दी हूँ। वीर ट्यूशन से आ चुका है और यहाँ पे ट्यूशन से मैगी तो खा ही रहा है, अपने साथ एक पास्ता भी रख चुका है, आपको बताती हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैगी खाते हुए और अभी ट्यूशन से जस्ट आया, इसलिए मैंने बोला अच्छा थोड़ा देर के लिए मोबाइल ले लो, तो खाओ। इसमें मिर्चा वगैरह सब डाल के बनाई हूँ। और यहाँ पे मैं गैस पे फिलहाल पानी बॉयल कर रही हूँ। पानी क्यों बॉयल कर रही हूँ? पानी इसलिए बॉयल कर रही हूँ कि यहाँ पे शिमला मिर्च है और ये है पास्ता, इसे बॉयल करके इसे बनाएंगे। आज डिनर में यही बनेगा। तो गाइज, आज डिनर का प्लान तो यही है, पास्ता बनाने के लिए। रोटी भी है, जिसे रोटी और भाजी खाना है वो रोटी भाजी खाएगा। मम्मी को भी पास्ता पसंद है तो मम्मी के लिए भी पास्ता बन जाएगा। और रोटी भाजी भी है तो दो रोटी भाजी है, थोड़ा सा पास्ता लेके खा लेंगी। और वीर समीर को चाहिए रोटी, तो सिम्बा के लिए रोटी, तो इन सबको रोटी मिलेगा। और वीर, मम्मी और थोड़ा थोड़ा सबको पास्ता भी दे देंगे, तो दोनों डिनर हो जाएगा, पास्ता भी मिल जाएगा। तक समीर कॉलेज से आया नहीं है, देखो कब तक आता है। अभी तो 6:30 बजे अपने कॉलेज में ही था, अपने टीचर से मुझसे बात कराया। मैं टीचर से बात की, टीचर बोली कि थोड़ा लेट हो रहा है आपके बेटे को, टेंशन मत लीजिएगा, वो अच्छे से पहुंच जाएगा आपके पास। मैं बोली हाँ टीचर, मैं बोली दूर का ट्रैवलिंग का सफर है ना टीचर, इसलिए थोड़ा टेंशन हो जाता है। तो बोले टेंशन मत लो, अच्छे से आ जाएगा। और मम्मी भी आज नहीं है घूम फिर के, अभी तक उनका भी घूम फिर के अभी तक पता नहीं कहाँ है वो। आज लगता है आज मंगलवार है ना, तो आज कहीं गई होंगी घूमने फिरने अच्छे से, अपने फ्रेंड के उनके घर पे गई होंगी। तब तक मैं यहाँ पे बना के रहती हूँ। और यहाँ पे वीर अपने साथ सिंचैन भी देख रहा है, सिंचैन देखते हुए इंजॉय करते हुए। ये देखो कितना वो ले रहा है, इसको क्या बोलते, ढकार ले रहे हो? वीर के पास जॉय लाइन नहीं है, वीर जब देखो तो जॉय लाइन के लिए परेशान रहता है। वीर है, थोड़ा मोड़ा है अभी, छोटे गुल्लू मुल्लू हो ना इसलिए। ये देखो इधर है, इधर 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 है जॉय लाइन, दिख नहीं है तो फिर क्यों करती है जॉय लाइन चाहिए? क्योंकि मेरा फेस हो, मतलब वीर को पड़ गया है तो इसकी वजह से उसे भी जॉय लाइन है। और समीर का फेस पापा को पड़ गया इसलिए उसको जॉय लाइन है, और ये परेशान दिन भर रहता है जॉय लाइन के पीछे। अभी तो है, अब सिम्बा आपको दिखाती हूँ। सिम्बा हमारा वेट कर रहा है कि मैं यहाँ पे लोग कर क्या रहे हैं। लगता है सिम्बा आराम कर रहा है घर में, अभी इसे आराम करने देती हूँ। चलो पहले पास्ता डाल देती हूँ, पानी पास्ता को धोती हूँ, फिर थोड़ा बनाती हूँ। तो गाइस, पास्ता को अच्छे से बॉईल होने देती हूँ, इसे बॉईल कर लेती हूँ, फिर बाद में आपको बताती हूँ। तब तक मम्मी भी आ जाएंगी और समीर भी कॉलेज से, टाइम लगेगा उसे आने में, पर अच्छे से आ जाए तो फिर सिम्बा उठेगा तो आप लोग को सिम्बा का अपडेट देती हूँ कि सिम्बा कर क्या रहा है। गाइस, यहाँ पे मैं पास्ता बना चुकी हूँ। पास्ता बना के सबसे पहले मम्मी को दे दी, क्योंकि मम्मी को भूख लगी थी, इसलिए गर्मा गर्म पास्ता बनाई हूँ। पास्ता बना के एक्चुअली मम्मी को दे दी, मम्मी खा ली, मम्मी के साथ में वीर को भी दे दी हूँ। ये देखिए फिलहाल गाइस बहुत ज्यादा टेस्टी बना हुआ है, तो क्योंकि मैं आज ने कुछ थोड़ा स्पेशल कर दी। स्पेशल में क्या कर दी? पास्ता तो मैंने धनिया की पत्ती और पास्ता मसाला, वो जो आता है ना, और थोड़ा सा मैगी मसाला, ये तीनों चीज भी डाली। इसके लिए पास्ता आज लाजवाब और टेस्टी हो गया था, और जिसे सब खा के उंगलियां भी चट चट के खाना खाए हैं। तो अभी हम लोग तो खा लिए हैं, तो वीर भी खा चुका है, पर समीर नहीं खाया क्योंकि समीर आया फिर जिम चला गया। जिम से आने के बाद अभी फोन पे लगा हुआ क्योंकि उसके कॉलेज में कुछ प्रोग्राम है इसके वजह से। तो फिर यहाँ पे मैं सिम्बा को खाना खिला के, अब सिम्बा को खिला रही हूँ बनाना, तो आपको दिखाती हूँ सिम्बा कैसे बनाना खाता है। बहुत करेगा नौटंकी पर खा लेगा, नहीं होगा। गाइस, अभी नीचे पन्ना का फुटेज यहाँ से, अभी यहाँ आ गया, नीचे का केला मेरे पे खाने जा रहा था, अब वैसे ही बम फूटा और वैसे ही ये बेड पे भाग के मेरे पीछे आके छुप गया कि मुझे बचा लो, कहीं ये लोग मेरे ऊपर बम न फोड़ दे। बेटू तुम खाओ केला, खाओ।
तो अभी यहाँ मम्मी केला खिला रही क्योंकि उसको खाना खाना करके उसको पानी दे दिया गया, तो अब इसको केला खिला रहे हम लोग। खाना खा के इस रूम में आ चुके हैं, लेकिन अभी सब बैठे हैं क्योंकि अभी तक समीर ने खाना नहीं खाया है। वो ऐसी जगह बैठ जाएगा कि किसी को सोने में नहीं देगा। अभी झाड़ू पोछा करना बाकी है, इस घर का झाड़ू पोछा करेंगे। असीम बा आपको दिखाती हूँ कि बम के डर के मारे क्या कर रहा है। बम फूट रहा है नीचे हमारे गली में, तो सिम्बा डर के मारे इसके नीचे आके छुप गया कि मुझे बचा लो। ये आज दिवाली तक मतलब क्यों भैया भी जाएगा, पंखा बंद है यहाँ से दिख रहा है उन्हें। कहाँ उन्हें बेटा, ये क्या चश्मा लगा ले, जाओ देखो, मुझे नहीं देखना। वीर को बोल रही हूँ जाओ उस घर से पोछा लेके आओ, मैं पोछा लगा देती हूँ, पर वीर सुन नहीं रहा है। यहाँ पे समीर अपने कॉलेज का कुछ काम कर, कॉलेज से आया है 8:30 बजे, फिर भी काम चालू है। टगफॉर का एक्चुअली हमने 25 टीम सोचा था, पर हमने प्राइस पोल कहीं मेंशन नहीं किया, हमने प्राइस पोल सिर्फ 6 तक का बताया। बम फट रहा है तुरंत इसका ध्यान, अब निकला, निकल के देखो कहाँ आएगा। ये देखो मेरे पैर के नीचे आएगा। झाड़ू पोछा करेंगे, सब सोएंगे बेटा। झाड़ू पोछा कर दो ना, तुम्हारा पैर उठा लूंगा। डर के मारे देखिए सिम्बा कहाँ पे, जनरेशन को क्या बोला जाए। तुम तो हाँ, तुम तो पुरखा पुरनिया हो। अभी बताया मेरे को, अभी मैं जो मालूम पड़ा मुझे इसमें 16 से 17। सिम्बा देखिए डर के मारे कहाँ आ गया। सिम्बा को संभालो, वीर को संभालो, बच्चों को, वीर को मत संभालो, खुद संभालो फिर सबको संभालना। देखे अभी बोल रहा था आजकल के बच्चे खुद पे लागू नहीं होगा, आजकल के बच्चे का खुद पे नहीं लागू करेगा, और सब पे लागू करेगा। पोछा लेते हैं ना, तो मैक्सिमम 5-5 अगर चारों से भी नहीं तो भी 41 नहीं होगा, तो भी 20 से 25 होगा। आप बैठ जाओ ना, इतना डर डर के कहाँ घूम रहे हो। हाँ दो में मारती हूँ। लेके आए शॉपिंग करके, वो देख रहे हैं ट्राई करके, देखिए फुटबॉल का इसे बहुत दिखा रही हूँ, इसे फुटबॉल का बहुत पसंद था इसलिए लेके आया है। देखो सिम्बा फुटबॉल का, ये फुटबॉल है गाइस, तो क्या है ये मुझे तो नहीं समझ में आ रहा बेटा। देखिए गाइस ये कल का इसका ये टी शर्ट फेवरेट था, मुझे तो नहीं पसंद आया, नहीं पसंद आया तो इसको रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये पसंद नहीं आया इसलिए इसको रिटर्न कर देंगे। दूसरा है, दूसरा भी सिंपल एंड शोर समर है, क्योंकि 25 टीम आएगी तब यार। ये बेटा थोड़ा धीरे धीरे बोलो वी समीर। तो गाइस ये सेकंड है, तो सिंपल एंड शोर रेगुलर पहनने के लिए, शोर मतलब सिंपल एंड शोर, डोंट थिंक अबाउट द लॉसेस बट निकाल के बेटा, इतना मत देखो अपने आप को, अगर तुम इतने छोटे से इवेंट पर ले सकते हो खुद से पूरा कर रहा स्पॉन्सर। अरे वीर का 3rd टी शर्ट देखिए कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो अच्छा नहीं लगा, बट क्यों नहीं अच्छा लगता है आपको, क्या प्रॉब्लम, बहुत अच्छा है, अच्छा इसलिए बोल रहे हैं मम्मी को। गाइस बहुत सुंदर लग रहा है वीर, इसमें स्मार्ट पीछे लग रहा है, बस आगे का डिजाइन नहीं, नहीं बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा है। अरे पर ऐसा काहे को, बहुत अच्छा भाई ये लावण्य दोनों, ये तो अलग ही चालू है। चलो हो गया डील डन मेरे से। अमीर को यहाँ जूता पहन पे, ये जूता काट लिया क्या तुमको, ये जूता काटना बोलते है इसे, दोनों पैर में काट, जूते ने काट लिया, सोचो अभी जूता भी अभी खूंखार होने लगा, खूंखार होने लगा, जूता भी काटता ही है, आपको पता है कि जूता भी काटता ही है, ये बोल रहा है जूता भी काट रहा है। बच्चे लोग को कौन सिखाएगा। अमीर तुम्हारा हो गया तो तुम जा सकते हो खाने के लिए, सभी पापा की हेल्प कर दो बिछाने में, बिस्तर को क्यों, जिम तो रोज जाते थे, 2 दिन नहीं गया ना। तो गाइज आप लोग को वीर का टी शर्ट कैसा लगा, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा वीर का टी शर्ट, वीर को तो बहुत पसंद आया, एक रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि एक अच्छा नहीं है, और उसके बदले कुछ अच्छा लूंगा। हाँ कुछ अच्छा से लेंगे उसके बदले, एक रिटर्न करेंगे। और ये सब लिया है हमने क्या, करवाना भाई, करवाना भाई, दुकान से लिया है और कहाँ से लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस।